ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री भारतवंशी ऋषि सुनक और पीएम मोदी की फोन पर बातचीत हुई। पीएम ने उन्हें बधाई दी और साथ ही ट्रेड डील को लेकर भी सहमति बनने की बात सामने आई है। हालांकि फोन पर चर्चा के बाद अब सुनक और पीएम मोदी की मुलाकात हो सकती है। जी हां, G20 सम्मेलन में ये दोनों नेता एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि ये मुलाकात भारत ब्रिटेन के रिश्तों के लिए भी प्लस पॉइंट होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के नए पीएम से फोन पर बातचीत की। नरेंद्र मोदी की तरफ से सुनक को प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी गई। भारत ब्रिटेन के रिश्तों पर विस्तार से बात हुई और दोनों देशों के बीच में होने वाली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी चर्चा हुई। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी ने इस बातचीत को लेकर ट्वीट किया और सुनक की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि सुनक से बात कर काफी अच्छा लगा, उन्हें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के लिए बधाई दी। हम दोनों की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का काम करने वाले हैं। इस बात पर सहमति बनी है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द ही पूरा किया जाएगा। अब सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आई है कि दोनों नेता इंडोनेशिया में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए 15 से 16 नवम्बर को बाली में होंगे। वहाँ पर उनकी मुलाकात होने की संभावनाएं हैं। बताया जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के तौर पर कामकाज संभाल चुके ऋषि सुनक की भारत के पीएम से पहली मुलाकात हो सकती है। हालांकि इस दौरान मोदी और सुनक की द्विपक्षीय मुलाकात को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के सम्मेलन के दौरान ये दोनों नेता एक साथ होंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे। माना जा रहा है कि ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित मुलाकात के साथ ही भारत और ब्रिटेन के बीच चल रही ट्रेड डील की कवायद भी तेज हो सकती है। इस समझौते के लिए दिवाली 2022 की मियाद रखी गई थी। सूत्रों की माने तो इस व्यापार समझौते पर साइन का गवाह बनने के लिए पीएम मोदी लंदन भी जा सकते हैं। इसको लेकर शुरुआती दौर की कवायद भी तेज हो चुकी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।